सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। ने बुधवार को प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याओं की जानकारी ली। सांसद ने दौरे के क्रम में भजनिया पंचायत के पोटो गांव में आयोजित कार्यक्रम में पोटो के पास नहर में पुल निर्माण कराने की ग्रामीणों के मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं सांसद के आगमन की जानकारी को लेकर मोहम्मदगंज के सूडी टोड़ा पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकजुट हुए। वहीं मोहम्मदगंज माहूर महुडंड पथ को मोहम्मदगंज जपला मुख पथ से जोड़ने के लिए एवं राजन डी टोला के पास रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास निर्माण कराने का मांग पत्र भी ग्रामीणों ने सौंपा। और वहीं इस दौरान प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सह भाजपा नेता नीरज सिंह ने मोहम्मदगंज स्टेशन पर सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव के लिए भी मांग पत्र सौंपा है। वहीं सांसद श्रीनाम ने ठहराव सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया। वहीं इस दौरे के क्रम में भाजपा नेता कामेश्वर कुशवाहा, महेंद्र सिंह, कामेश्वर सिंह, सीबी रमन सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मोहम्मदगंज से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। तो बिना किसी के कहे हुए हम कह दें या बिना किसी से बात किए हुए कि ये पुल बन सकता है, वो वाजिब नहीं रहेगा। हम पुल बनवाने के लिए निश्चित रूप से संबंधित विभाग से, संबंधित पदाधिकारियों से बात करेंगे और उस बात में मेरा जोर होगा कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए, इसकी नितांत आवश्यकता है। मैं जब भजनिया गांव गया था तो सैकड़ों किसानों ने, सैकड़ों लोगों ने कहा कि इसको बनवाइए, इसके बगैर हम लोगों को बहुत कठिनाई है, बहुत दिक्कत है। ये बात मेरी ओर से रखी जाएगी और निश्चित रूप से उसका वजन होगा, लेकिन जब तक हो नहीं जाती है बात और जब तक कुछ कमिटमेंट नहीं हो जाता है गवर्नमेंट के विभाग से, तब तक हम अपनी ओर से कमिट करने के लिए थोड़ी दिक्कत है। एक दिक्कत जो, लेकिन वो शायद नहीं रहेगी, ये रैयती जमीन है बाकी, लेकिन गांव के सारे लोग कह रहे हैं कि हम जमीन अपनी दे देंगे पुल बनने में के लिए, जो जमीन की आवश्यकता होगी तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रशंसनीय बात है। सब लोग चाहते हैं कि जमीन भले जाए जाए लेकिन पुल बन जाए, और पुल बन जाने से सुविधा बढ़ेगी।